आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गणतंत्र दिवस से पहले 5 कारें गायब, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। अमेरिका से जल्द लौटेंगे जेटली, जेटली ही करेंगे केंद्र सरकार का बजट पेश। बीजेपी विधायक की मायावती पर अभद्र टिप्पणी, महिला आयोग ने दिया नोटिस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के इलाके में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या से गरमाई सियासत। और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने पर कैलाश विजयवर्गीय का गोलमोल जवाब, कहा समय आने पर जवाब अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले 5 कारें गायब हो गईं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कारों के गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारों के गायब होने का ये मामला दिल्ली के नागलो इलाके का है। 5 कारें लग्जरी हैं और एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से गायब हुई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने कई टीमें इन कारों की तलाश में लगा दी हैं। दिल्ली NCR में इस समय आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। गायब हुई कारों में वॉक्स वैगन पोलो, फोर्ड एक्सकोर्ट, मित्सुबिशी पजेरो, होंडा मैज और फोर्स गोरखा शामिल है। वर्कशॉप के मालिक ने बताया कि उसको वर्कशॉप के कर्मचारियों ने बुधवार को फोन कर कारों के गायब होने की जानकारी दी। सभी गायब कारों की चाबियां पजेरो के डैशबोर्ड पर रखी हुई थी। सरकार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे या कोई और? जेटली के बीमार होने के बाद से बजट पेश करने में लगाई जा रही तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ही पेश करेंगे। अरुण जेटली जल्द ही अमेरिका से इलाज करवाने के बाद वापस भारत लौटेंगे। 66 वर्ष के जेटली अमेरिका में सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा नामक कैंसर का इलाज करा रहे हैं। पहले भी जेटली की दिल्ली के एम्स में 14 मई 2018 को किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। ट्रांसप्लांट के दौरान जेटली को डायलिसिस पर रखा गया था। इस दौरान जेटली की जगह रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। जेटली के अमेरिका जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि रेल मंत्री पीयूष गोयल सरकार का अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि अरुण जेटली जल्द ही भारत वापस लौटेंगे और बजट पेश करेंगे। जेटली बजट भाषण भी पढ़ेंगे। जेटली ने न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा, चुनावी वर्ष का बजट आमतौर पर एक अंतिम बजट होता है, यही परंपरा रही है और कोई कारण नहीं होना चाहिए जिससे कि हम उस परंपरा से दूर हो जाएं। अर्थव्यवस्था का बड़ा हित हमेशा तय करता है कि अंतरिम बजट में क्या होना चाहिए और यह कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा या खुलासा इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। बता दें कि जेटली 1 फरवरी को NDA सरकार का आखिरी और अपना 6ठा बजट पेश करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि जेटली द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट आम बजट के जैसा ही होगा। भाजपा की मुगलसराय से विधायक साधना सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने एक सभा में कहा, मायावती न पुरुष हैं न महिला। उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस में हुआ उनका चीरहरण भूलकर सपा से गठबंधन किया है। महिला विधायक के इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और उनसे जवाब तलब किया है। साधना सिंह ने चंदौली में एक सभा में कहा, हमको पूर्व मुख्यमंत्री ना तो महिला लगती हैं और ना ही पुरुष, इनको अपना सम्मान ही समझ में नहीं आता। एक चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो उन्होंने दुशासन से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। वो एक स्वाभिमानी महिला थी और एक आज की महिला है। सब कुछ लुट गया और फिर भी कुर्सी पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। ऐसी महिला मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं, जो नारी जात पर कलंक है। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीरहरण हुआ, एक चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच के लाया है,
बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं। भाजपा की महिला विधायक यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा जिस दिन महिला का चीरहरण होता है उसका ब्लाउज फट जाए, पेटीकोट फट जाए, साड़ी फट जाए, वो महिला सत्ता के लिए आगे आती है तो वो कलंकित है। उसे महिला कहने में भी संकोच लगता है क्योंकि वो ना तो नर है ना महिला है। साधना की टिप्पणी पर बसपा ने पलटवार किया है। बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा साधना सिंह का बयान बीजेपी के स्तर को प्रदर्शित करता है। सपा और बसपा के गठबंधन के बाद बीजेपी नेताओं का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है और उन्हें आगरा या बरेली के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। इस मामले में महिला आयोग ने विधायक को नोटिस भेज दिया है। मुगल सराय से विधायक साधना सिंह की बातें आपने सुनी और इसे देख के लगता नहीं है कि एक महिला विधायक एक दूसरी महिला नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के दर्शकों को और भोपाल निवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद दखल न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के गृह जिले बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। सेनवा की वरला तहसील में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से कई बार कर जान ले ली। इससे पहले मंदसौर में बीजेपी नेता प्रहलाद बंदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में हत्याओं का दौर जारी है। आज सुबह सेधवा की वरला तहसील में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई। भाजपा नेता मनोज ठाकरे का पोस्टमार्टम करवाया गया। बलवाड़ी में ठाकरे के अंतिम संस्कार में पूर्व पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य सहित हजारों लोग शामिल हुए। वहीं हत्या की जांच कर रहे एएसपी ने खुलासा किया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या धारदार हथियार से की गई है। उनके चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से आधा दर्जन वार किए गए हैं। हत्यारों का सुराग हासिल करने के लिए खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया गया है। भाजपा नेता की हत्या के बाद बलवाड़ी पूरी तरह बंद है। बलवाड़ी में भाजपा नेता की हत्या के बाद एसपी एवं कलेक्टर को बुलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता और जनप्रतिनिधियों ने धरना शुरू कर दिया। एसपी के आने के बाद धरना खत्म हुआ। जिला पंचायत सदस्य एवं पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य के पुत्र विकास आर्य ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राजनीतिक हत्या करार दिया है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही मालवा निमाड़ में 3 बड़ी हत्याएं हो चुकी हैं। इससे पहले इंदौर के कॉमोडिटी व्यापारी संदीप तेल की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मंदसौर में नापा अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की भी इसी तरह हत्या की गई थी। जिस जिले में भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या की गई है वो सूबे के गृह मंत्री बाला बच्चन का जिला है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराए जाने पर कहा कि आप देखते जाइए, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कुछ समय पहले विजयवर्गीय ने कहा था कि बॉस का इशारा हो तो अभी सरकार गिर जाए।
मध्य प्रदेश में हुए कुछ हत्याकांडों के बाद भाजपा ने इन हत्याओं को आधार बनाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में साइक्लोथॉन इवेंट की तैयारियों से पहले आयोजित की गई साइकिल रैली से इतर विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शायद यही है वक्त बदलाव का। पहले गुंडे पुलिस से डरते थे, लेकिन अब गुंडे बेखौफ होकर आम लोगों को डरा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार को गिराने का बयान देने के बाद उपजे विवाद पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि मौका आएगा तब इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, अब मौका आएगा तो उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा महासचिव विजयवर्गीय ने कहा था कि बॉस का इशारा मिल जाए तो सरकार गिरा देंगे। उनके इस बयान पर काफी बवाल मचा था और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी का आदेश होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की करारी हार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के दिए बयान का असर जगदलपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में देखने को मिला, जहां प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली। भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के उस बयान जिसमें उन्होंने हार के लिए कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता को दोषी ठहराया था, उसका असर आज जगदलपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में देखने को मिला। जगदलपुर में भाजपा की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक में हार की समीक्षा की जानी थी, मगर पूरी बैठक आरोप और प्रत्यारोपों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। सच्चिदानंद उपासने इस बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की समीक्षा करने आए थे कि भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने के बावजूद भाजपा क्यों हारी। वहीं उपासने ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार SIT बनाकर जिन मामलों की जाँच करवा रही है उन मामलों की पहले ही जाँच कराई जा चुकी है, यह बदले की कार्यवाही का नमूना है। वहीं भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान, भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ वादा खिलाफी को लेकर उपासने ने कहा यह उनके निजी विचार हैं। पराजय की समीक्षा पार्टी हर जिले में नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि इतने विकास के काम करने के बाद और पार्टी को इतनी भारी पराजय का सामना करना पड़ा है, तो सामान्य रूप से कार्यकर्ता जनमानस के बीच में रहता है, जनता की नब्ज को भली प्रकार से समझता है, इसलिए कार्यकर्ताओं से ही उन बातों को ज्ञात किया जाए, उसकी जानकारी ली जाए कि आखिर पार्टी में ऐसी क्या कमियां खामियां रह गई थी, क्या गलतियां हो गई थी जिसके कारण से पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह BJP की करारी हार हुई है, उसके बाद मंथन और चिंतन मनन के कार्यक्रम जारी रहेंगे और कार्यकर्ताओं को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। स्वर्ग का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद दखल न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रीवा में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है
और अपराधी सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही अब विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस को घेरने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अचानक अपराधों के बढ़ने से बीजेपी ने चिंता जाहिर की है। इसके लिए बीजेपी ने जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसी तारतम्य में रीवा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था के खिलाफ कलेक्टर को पत्र सौंपा। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, उसी के लोग उसी को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे हर जिले के जिला मुख्यालय में एक ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि ये जो कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसको व्यवस्थित ढंग से ये अपने जो तंत्र के लोग हैं उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। अगर ये नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने हिसाब से फिर काम करे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही गुंडे खुलेआम सड़कों पर नजर आने लगे हैं। बीजेपी इसकी निंदा करती है तथा तत्काल गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग करती है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओडिशा प्रदेश कांग्रेस भी जन घोषणा पत्र बनाने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के फार्मूले पर काम शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। आगामी चुनाव के मद्देनजर ओडिशा छत्तीसगढ़ का अनुसरण करने जा रहा है। इसी संदर्भ में भुवनेश्वर में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। उसमें ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में जिस टीम ने पर्दे के पीछे घोषणा पत्र में काम किया वो भी भुवनेश्वर पहुंची। ऑल इंडिया कांग्रेस के डाटा एनालिटिक्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर आदित्येश्वर सरन सिंहदेव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पंकज सिंह मौजूद थे। दोनों ने प्रेजेंटेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस मीटिंग में ओडिशा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक, ओडिशा के प्रभारी सचिव मस्तान वाली एवं प्रभारी ज्वाइंट सेक्रेटरी आदित्य शर्मा, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमनंद बिस्वाल एवं ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के सदस्य मौजूद थे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र बनाया गया था जो उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल कर गया। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की पिछले कुछ दिनों से तबीयत नासाज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी खेमे ने राहत की सांस ली है। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, जिन्हें अब एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वे दोनों ही अब स्वस्थ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के बाद से दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे थे। शाह को रविवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसकी पुष्टि भाजपा नेता अनिल बलूनी ने की। सांस लेने में तकलीफ के बाद बीते बुधवार शाम अमित शाह को एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। खुद शाह ने ट्वीट कर बताया था कि मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी एम्स में भर्ती थे। उन्हें भी बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सीने में परेशानी के कारण एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें भी अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।